हाँ जी जाना फिर बाय बाय कर दो फिर जा रहे हैं हम साथ ना आपने कह रही हो इधर इधर वो देखो <laughs> इसका लगता है ट्रीट खाने का दिल कर रहा बाल वगैरह शेड होते हैं खानों में मतलब बाल कपड़ों पे बाल लग जाते हैं सोफे पे इवन के आपकी बेड शीट्स वगैरह उसमें के मुंह में आ जाता हैं उसमें फाइव टिप्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह असलम गाइज़ कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं हमजा असलम बात कर रहा हूँ एनिमल्स वर्ल्ड पेट्स क्लिनिक से आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल जैसा कि आप सब ने कैट्स भी रखी हुई हैं डॉग्स भी रखी हुई हैं तो आप इस चीज़ से बड़े ही परेशान होते हैं कि कैट्स के बाल वगैरह शेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा शेड होते हैं तो बल्कि आप तो बड़े ज़्यादा परेशान होते हैं खानों में मतलब बाल आ रहे हैं कपड़ों पे बाल मतलब आप कैट्स उठाते हैं कपड़ों पर बाल लग जाते हैं सोफे पे इवन के आपकी बेड शीट्स वगैरह सब कपड़ों पर बाल वगैरह आ जाते हैं तो बल्कि मेरी शॉप पे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो फ़र्स्ट तो उन्होंने कैट्स जो डॉग्स रखे होते हैं तो फ़र्स्ट हमसे बात यही करते हैं कि हमजा भी हेयर फॉल का हमें बताएं कि हम इस चीज़ को कैसे हल करें हम तो बड़े परेशान हैं इस चीज़ से बल्कि इवन वो कभी कभी खाना खाते हैं तो उनको बाल के मुंह में आ जाते हैं मुझसे पूछते हैं कि डेंजरस तो नहीं है बाल कि बाल मतलब वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती हवा में उड़ रहे होते हैं बाल आपने देखा होगा मतलब वो बड़े लोग परेशान होते इस चीज़ से तो आज मैं इन आपको इस चीज़ का सलूशन बताऊंगा फ़ाइव टिप्स आपको बताऊंगा इन आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा प्रॉपर तरीके से तो इन बड़ा ही मज़े आ, मज़ा आने वाला है इस वीडियो पे और इनशाला बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है फर्स्ट सोलूशन मैं आपको फर्स्ट में बताता हूँ आप अपने पेट को जैसे आप विंटर है कैट्स एंड डॉग्स दोनों का मैं बता रहा हूँ जैसे कि विंटर है विंटर में फ़र्स्ट में आपको मन मंथ में दो दफ़ा पेट को नहलाना चाहिए ठीक है कोशिश करें आप दो दफ़ा नहलाएं उसको अच्छे तरीके से नहला के प्रॉपर तरीके से शैम्पू करें नहला के उसको ड्राई करें अच्छे तरीके से ड्राई करके जैसे कि आपने देखा होगा हम सुबह टाइम फर्स्ट टाइम उठते हैं नहाते हैं नहा के फ़्रेश हो जाते हैं फ्रेश हो के मतलब आपने देखा होगा हम मतलब ड्राई वगैरह बालों को भी करते हैं अपने आप को साफ वग़ैरह देखें कि कहीं हम बाहर निकलते हैं तो अगला इंसान कोई भी हमसे मिले तो अच्छा फ़ील करे हैप्पी फील करे अगर हम ही मतलब एक मतलब निढाल हो के साफ ही नहीं होंगे तो अगले इंसान पे कैसा फेस इंप्रेशन जाएगा जैसे कि आपकी कैट है कोई भी मतलब आपका मेहमान आता है तो वो देखेगा कि यार इनकी कैट तो बड़ी गंदी है ये डॉग बहुत गंदा है मतलब बच्चों के साथ आएंगे वो कहेंगे बच्चों हाथ नहीं लगाना नो नो तो ऐसे ही मतलब अगर जब आपकी कैट आपने नहलाया होगा साफ़ सुथरी होगी तो जिसका दिल जो पेट लवर नहीं भी है ना वो भी स्पेशली पकड़ लेगा कि माओ माशाल्लाह कितनी प्यारी है कैट एंड डॉग मतलब बहुत ज़्यादा फर्स्ट तो टॉपिक ये हो गया कि आपने कैट को नहलाना है ठीक है मिनटर में दो दफ़ा और दूसरा मैं आपको बताता हूँ दूसरा सोलूशन है कि आपने अपनी एक कैट हो या डॉग हो दिन में दो दफ़ा ब्रश लाजमी करना है क्या मर्ज़ी हो जाए दो दफ़ा ब्रश करना है अगर दो दफ़ा नहीं कर सकते तो एक दफ़ा तो हंड्रेड परसेंट आपने ब्रश करना है जैसे मतलब मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए अपने आप पे दे रहा हूँ कि आपको इजीली मतलब समझ आ जाए जैसे हम मतलब उठते हैं सुबह मतलब उठ के नहाते भी हैं फिर ब्रश करते हैं अच्छे तरीके से ब्रश करके हम बाहर जाते हैं वेल ड्रेस होके अगर ब्रश ही नहीं हमने किया होगा तो बाल खराब हुए वगैरह तो अगला इंसान के का, यार आपने कंगी नहीं की तो आप अपने पेट की भी कॉम वगैरह जब करेंगे तो पेट तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लगेगा बड़ा प्यारा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा मतलब कोई भी आएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा माशाल्लाह आपका जानवर तो बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा आप कैसे बड़ी लगता है आप केयरिंग करते हैं उस उसमें बेनिफिट ये है कि जानवर की प्रॉपर मतलब अब आप कोई भी पेट वगैरह रखते हैं तो उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है कोई भी इंसान वो मतलब अगर उसकी तारीफ़ करेगा तो उसने आपको बेनिफिट है वो आपकी मतलब तारीफ में आएगा क्योंकि आप उसकी केयरिंग करते हैं ये हमारी माशाल्लाह बड़ी प्यारी कैट है इसका प्यार करने का अंदाज ही ऐसा आज इसका दिल कर रहा था मैंने वीडियो में आना है मैंने कहा चलो आ जाओ आज एनिमल्स वर्ल्ड वीडियो पे चलते हैं हाँ जी ठीक है माशाल्लाह अच्छा थर्ड जो से मतलब सेकंड में दोनों आपको बता दिया आपने कॉम करना है डेली ब्रशिंग करना है जैसे हम अपनी करते हैं वैसे ही आपने कैट्स को ब्रश करना है थर्ड तीसरी बात तीसरी बात तो आपको ये है कि आपने कोशिश करनी है कि कैट हो या डॉग हो उसको कोशिश करें दिन में एक दफ़ा लाजमी बॉयल चिकन दे बॉयल चिकन दे मतलब कोई भी बॉयल चिकन अगर आपका किटन है कैट है एक छोटी सी बोटी है उसको बॉयल करें छोटे छोटे पीसीस करके उसको दें साथ उसको थोड़ी सी यखनी दे दें अगर उसके साथ फ़ूड अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो फूड कोई अच्छे वाला यूज़ करना है जिसमें प्रोटीन फैट काफ़ी अच्छे हों जैसे रॉयल करना है वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है वो आप यूज़ कर सकते हो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ गोल्ड है वो बड़ा अच्छा है वो यूज़ कर सकते हैं उसके बाद फोर फोर में ये आता है कि इनके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं जो मतलब काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता वो रिकमेंड ही नहीं करते कि आप ये यूज़ करें कि आपकी कैट का हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा मतलब मैंने जो आपको थर्ड चीज़ें बताइए ये तो लाजमी है ना इससे तो मतलब सोलूशन आपका हल हो जाएगा अगर केस वो नहीं होता तो फोर वाला आपने सोल्यूशन मतलब जैसे फ़िश ऑयल आता है आप डेली फ़िश ऑयल का एक कैप्सूल दें विंटर में तो इन आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कोई अच्छा सप्लीमेंट डॉक्टर से रिकमेंड कर लें जैसे फैट प्लस आता है प्रो हेल्थ आता है और भी काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं तो वो आप अपने पेट्स को दे सकते हैं उनका काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा और मैंने एक और आपको बतानी थी बात कि विंटर में जो उनसे ना कैट्स के बाल वगैरह शेड होते हैं गर्मियों में भी होते हैं और सर्दियों में भी होते हैं गर्मियों में ये होता है कि जब बाल शेड होते हैं तो बाल जो उनसे कैट के होते हैं ना वो काफ़ी बरक हो जाते हैं इसलिए वो हवाओं में उड़ने लग जाते हैं अब सर्दियों में बाल शेडिंग होते हैं लेकिन ये अब जब न्यू इनके बाल आते हैं तो वो काफ़ी थिक होते हैं मोटे होते हैं मतलब कैट और डाइट अच्छी देंगे ऑटोमेटिक ब्रशिंग करेंगे तो ये तो आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी तो आप अच्छा कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और एंड वाली बात फाइव, फाइव सोलूशन जो मैंने आपको बताया कि कुछ कैट्स होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा ही बाल यू मतलब उतरते हैं जो मतलब जो वीडियो भी देख रहे हैं वो कहेंगे हम तो ये सब चीज़ें यूज़ करवाते हैं हमारी कैट्स के तो फिर भी बाल बड़े ज़्यादा उतरते हैं मतलब लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा उसको ये भी हो सकता है शायद आपके जानवर को स्किन का इशू हो ठीक है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको लगे कि पूरा साल उसको कैट वगैरह के बाल उतरते ही रहते हैं जैसे ये मेरी कैट है इसने अब अपना कोट शेड किया हुआ है वैसे ये ट्रिपल कोटेड है माशाल्लाह लेकिन इसने अभी बाल शेड किए हुए हैं अब इसके न्यू बाल आएंगे प्रॉपर तरीके से ना तो दो तीन महीनों में बड़ी प्यारी मतलब नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगा फिर मैं आपको याद करवाऊँगा बड़ी प्यारी हो जाएगी माशा कैट ना ये तो मतलब फ़ाइव में आपको बता रहा था कि आप डॉक्टर से विजिट करें डॉक्टर के पास जाएँ उनको चेक करवाएँ कि इसको स्किन का इशू तो नहीं है तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा कि कोई और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन इन मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें करेंगे तो इन ये आपका हल हो जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे कुदरती हेयर फॉल होता है मतलब टू से थ्री परसेंट जो है ना हेयर फॉल होता है जैसे कुदरती एक अल्लाह ताला का एक एक निज़ाम है हमारे भी बाल शेडिंग होते हैं हमें महसूस नहीं होता लेकिन हमारे बाल भी शेड होते हैं जैसे एक दरख्त है दरख्त आपको मतलब पौधा लगते हैं पौधा लगाते हैं वो दरख्त एक बन जाता है दरख़्त बनता है फिर एक साल में उसके पत्ते सारे झड़ते हैं वहाँ पर न्यू आते हैं सारे मतलब बड़ा प्यारा माशाल्लाह हो जाता है दरख्त ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है तो आप डॉक्टर मतलब वाली वही है कि आप डॉक्टर को चेक करवाएं वैसे डॉक्टर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है एनिमल्स वर्ल्ड पेट्स क्लिनिक के नाम से समनाबाद एल एस रोड पर हमारी शॉप है आप विज़िट कर सकते हैं हमारी शॉप पर बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर अल्लाह हाफि